करने के कारण किसी भी सरकार ने आगे आकर आज तक नहीं सोचा है। श्रीमान राज्य सरकार की तो छोड़िए, आज तक हमारे पुलिस विभाग के कितने ही प्रमुख आए गए पर किसी ने विचार तक व्यक्त नहीं किया इस विषय पर। श्रीमान सरकार पर पुलिस की हार्ड ड्यूटी में भत्ता बढ़ाने से आर्थिक संकट बढ़ता है, तो हमारे 5,000 के लगभग जो भी कटौती कर रहे हैं वो कम कर दो, हार्ड ड्यूटी काट लो, और 2-4 हजार और भी कटौती सरकार करनी चाहती है तो वो कर ले, लेकिन 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स कर दे ताकि पुलिस कार्मिक मां पत्नी का बनाया भोजन नसीब हो सके, मां पत्नी बच्चों को 16 घंटे का समय दे सके, ये हमारे लिए धन से भी बड़ा है। श्रीमान, हमारे पूर्व के कई सीनियर्स कार्मिक ने तो अपनी पूरी जिंदगी खो दी इस पुलिस की भारी भरकम ड्यूटी व दिनचर्या के कारण। उन्होंने कभी अपने माता पिता पत्नी बच्चों के साथ रहने, घूमने फिरने खाने के अवसर व एहसास खो दिए हैं। हम लोगों ने भी हमारी जिंदगी के काफी महत्वपूर्ण वर्ष खो दिए हैं, परंतु अब और आगे ऐसा ना हो, जिसके लिए कभी ना कभी तो किसी को आगे आना ही होगा। श्रीमान, अब आपसे यह निवेदन है कि कई बार पुलिस अधिकारियों के लिए पुलिस कार्मिक आगे आए हैं, कुछ ऐसे विषय हुए हैं पुलिस विभाग में जो केवल पुलिस अधिकारियों को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन उसमें आगे पहले कार्मिक आए हैं। सरकार को झुकाया भी है, सरकार ने अपने तुगलकी फरमान वापिस भी लिए हैं, अब समय ऑफिसर्स का है। बस एक बार सभी IPS बस इतना बयान दे दो कि पुलिस कानी की मांगे वाजिब है, परंतु अपनी ड्यूटी करते हुए अनुशासन में रहते हुए मांगे जारी रखें। श्रीमान, अब अंतिम बात आज के निवेदन पत्र के संबंध में, जो निवेदन पत्र इस विचार पत्र के बाद में दिया जाएगा उसके संबंध में। विभिन्न जिलों में कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिससे उन भाइयों का कितना भी नुकसान हो सकता है। जो कार्रवाई की है उन्होंने अपन के लिए की है, उसका यदि सब एकजुट नहीं रहे तो सरकार या विभाग उनका कितना भी नुकसान कर सकती है, जबकि वो भाई हम सब के लिए लड़ रहे थे। इसलिए सरकार यदि ऐसा रवैया रखेगी तो हम सबको भी ना चाहते हुए दुखी मन से मूल मांगों की बातों से ऊपर उठ के उनके भले व सम्मान के लिए कुछ अलग सोचना पड़ सकता है। श्रीमान सभी IPS ऑफिसर को भी, श्रीमान सभी IPS ऑफिसर्स को भी आपस में मंत्रणा करके कार्मिकों के पक्ष में उचित बयान जारी करना चाहिए, हम ऐसी आपसे अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद सर।